नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल टीवी और इस समय कैथल के सिविल हॉस्पिटल में इस समय हम मौजूद हैं, जहां लगभग 3 महीने पहले सांसद नायब सैनी ने ये आश्वासन दिया था कि हम कैथल में बहुत जल्द ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगा देंगे। लेकिन 3 महीने से ऊपर का समय हो गया है और दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन अब कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में PCA यानी ऑक्सीजन जो है मशीन है वो पहुँच चुकी है। इस समय कैथल के सिविल हॉस्पिटल की ये तस्वीर है, जहां प्रशासन ने भी 2 दिन पहले ये दावा किया था कि हम 2 दिन में इसको इंस्टॉल कर जो है वो शुरू कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है इसका इंस्टॉल करने की प्रक्रिया है वो पूरी चली हुई है। तो पहले हम तस्वीर आपको दिखा देंगे, तमाम जो कार्य यहां पर इंजीनियर हैं उनके द्वारा किया जा रहा है और इसको इंस्टॉल जो है वो किया जा रहा है। मौके पर जो इंजीनियर है उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि प्रशासन अब लगातार जो तीसरी लहर है उसको देखते हुए सचेत हो गया है और जो तैयारियां हैं तीसरी लहर से निपटने के लिए उसके लिए पूर्णतः से तैयार जो है तैयारियाँ जो है वो की जा रही हैं। तीसरी लहर का जिस तरह से अनुमान किया लगाया जा रहा है कि बच्चों के लिए घातक जो है हो सकती है, तो उसी के लिए अब प्रशासन जो पिछले बार जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने की ओर प्रयास में जो है वो लगातार लगा हुआ है। इस समय इंजीनियर है यहाँ पर मौके पे हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ ये जानकारी देना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम रोहित कुमार है। सर क्या जानकारी देना चाहेंगे, कब ये आया और कितने दिन और इंस्टॉलेशन में लग जाएंगे इसको? ये भी परसों यहाँ पे जैसे वो अनुगोड हुआ है, अभी इसको कमीशनिंग वगैरह चल रही है आपकी, बाकी इसमें अभी 2 से 3 दिन का टाइम लग जाएगा प्रोसेस होने में। 2 से 3 दिन और लग जाएंगे प्रोसेस होने में। जी जी जी। तो किस तरह से सर ये काम करेगा फिर? एक्चुअली में ये नेचुरल एयर रहेगा जी फ्रॉम द एटमोसफेयर, फिर इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, ये पहले कंप्रेसर में जाएगा जी, फिर वहाँ से कंप्रेस होकर एयर एक सेट प्रेशर पे आके ड्रायर पे जाएगी, ड्रायर से उसमें कूलेंट का काम होता है, उसी सेट प्रेशर से अपना ये एयर टैंक है इसमें स्टोर की जाएगी जी। स्टोर के बाद इसमें एक ऑक्सीजन जनरेटर लगता है, वो PSA भी बोलते हैं उसको, प्रेशर स्विंग एडजोर्शन टेक्नोलॉजी पर काम करता है ये जी। उसके थ्रू उसके बाद जो एयर में जो एक्स्ट्रा गैसेज होते हैं नाइट्रोजन और भी अदर एक गैसेज होती हैं उनको अब्जॉर्ब करके एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, और अंदर एक सेंसर और एक वो किट लगी होती है जिससे हम प्योरिटी की लेवल इसका इंक्रीज करते हैं ऑक्सीजन का, और फिर स्टोर करते हैं अपने ऑक्सीजन टैंक में जी। उसके बाद ये पाइपलाइन के थ्रू अपने मतलब पाइपलाइन के थ्रू जो मरीज होगा जो पेशेंट्स होंगे वो ICU में हो या कहीं पे भी हो तो उनको ये ऑक्सीजन जो है वो दी जाएगी, तो पाइप के थ्रू जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल में पहुंचाई जाएगी, जो मेडिकल पाइप लगते हैं उसमें जो MGPS में यूज किए जाते हैं अपने मैनिफोल्ड सिस्टम के जी जी उसमें सप्लाई दी जाएगी। तो मतलब 2-3 दिन के बाद ये सुचारू रूप से काम शुरू करने लगेगा। दो से तीन दिन अभी और लगेंगे इसको इंस्टॉल करने में। राइट राइट। बिल्कुल, आप ये देख रहे हैं मौके की तस्वीर है, इस समय कैथल के सिविल हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं, जहां ऑक्सीजन की पीछे किल्लत जो है वो देखी गई। हरियाणा में कई जिलों में ऐसी सूचनाएं आई कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई, लेकिन जो सांसद महोदय हैं नायब सिंह सैनी उनके द्वारा कैथल में ऑक्सीजन प्लांट की जो है राशि दी गई, लगभग 51 लाख रुपए की राशि जो है उन्होंने यहाँ दी और ऑक्सीजन प्लांट लगाने का जो है वो फैसला लिया, और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी जो है ना सांसद नायब सैनी ने इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये देख सकते हैं कि तीसरी लहर से निपटने के लिए लगातार प्रशासन अब तैयारियाँ करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लहर 2 में जो ऑक्सीजन की कमी हुई कि हमें दूसरी डिस्ट्रिक्ट से ऑक्सीजन मंगानी पड़ी, लेकिन अब लगातार आप देख रहे हैं कि प्रशासन उस तैयारियों की ओर जुटा हुआ है और कैथल में अब ऑक्सीजन की किल्लत जो वो नहीं रहेगी, क्योंकि PCA जो ऑक्सीजन का पूरा जो इंस्टॉलेशन है वो की जा रही है, और अब ऑक्सीजन लगभग 2 से 3 दिन के दिन के दौरान के बाद जो ऑक्सीजन यहाँ से सुचारू रूप से जो है वो शुरू कर दी जाएगी। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो पाइप लाइन के थ्रू जो है ये वार्डों में और ICU जैसे तमाम क्षेत्रों में जहाँ पर भी मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर इसको पहुँचाया जाएगा।